सतवान उत्तरी भारत के कई सारे राज्यों में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है यह पर्व गर्मी के आगमन का संकेत देता है मेष संक्रांति के दिन ही सतुआन का पर्व मनाया जाता है इस दिन सूर्य मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करता है इस दिन भगवान को भोग के रूप में सत्तू अर्पित किया जाता है और सत्तू का प्रसाद खाया जाता है यह खास त्यौहार बिहार झारखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल हिस्सों में मनाया जाता है बिहार में मिथिलांचल में इसे जुड़ शीतल नाम से भी जाना जाता है कहा जाता है कि इस दिन से ही मिथिला में नए साल की शुरुआत हुई थी माना जाता है कि इस दिन सूर्य भगवान अपनी उत्तरायण की आदि परिक्रमा को पूरी कर लेते हैं हर साल यह पर्व 14 अप्रैल 2024 को मनाया जाता है यह पर्व गर्मी के मौसम का स्वरूप बताया जाता है और स्वागत किया जाता है इस पर्व में प्रसाद के रूप में सत्तू खाया जाता है इसलिए इसका नाम सत्तुआन है हम सभी जानते हैं कि यह गर्मी के मौसम में सत्तू कितना लाभदायक होता है सत्तू हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है गर्मी के मौसम में अगर आप सत्तू खाते हैं तो ये आपके पेट को भरा पूरा रखता है और आपको लू के लपेट से बचाता है तमिलनाडु और कर्नाटक में इस खास दिन को विशु कानी पर्व के तौर पर मनाया जाता है यह दक्षिण भारत में नव वर्ष का प्रतीक होता है विशु कानी पर्व में कृषि खेतों में बुआई का उत्सव मनाते हैं इस दिन श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद सबसे पहले आसपास के मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं घरों में इस दिन नए अनाज से भोजन बनाया जाता है और भगवान विष्णु को चौदह प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन हरिद्वार और काशी में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है इसके अलावा कुछ खास चीज़ों के दान से पापों का नाश होता है काशी के प्रमुख त्योहारों में से एक बताया जाता है बताया जाता है कि 13 अप्रैल 2024 को रात्रि ग्यारह बजकर सत्रह मिनट पर सूर्य मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे मध्य रात्रि से पहले सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं इसलिए संक्रांति का मान 13 अप्रैल 2024 को ही होगा 13 अप्रैल 2024 को मध्यान्ह से सूर्यास्त से पहले तक लोग गंगा स्नान कर सकते हैं इस दिन काशी और हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद सत्तू पंखा श्रीफल और जल भरा घड़ा दान करने का विशेष महत्व है और इससे पितृ तृप्त होते हैं और पापों का नाश भी होता है इस दिन भरा हुआ घड़ा दान करने से पितृ तृप्त होते हैं वहीं सत्तू के दान से देव प्रसन्न होते हैं और पापों का नाश होता है इसके अलावा पंखा दान से कुंडली का चंद्रमा मजबूत होता है और शरीर में जल तत्व की कमी दूर होने के साथ ही समस्याएं भी दूर होती है तो मित्रों हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण सादर धन्यवाद